ऐसे हैं। और बताइए क्या चल रहा है? ऑल गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए पहले जरा, लेट एवरी वन कम, जरा सब लोगों को पहले आ जाने दीजिए। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए आ गए, बस इतने लोग, इतने अभी टाइम पे नहीं आए ना, अभी बहुत सारे लोग अभी धीमे 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 आते ही रहेंगे अभी थोड़ी देर बाद तक। चलिए तो अभी जो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, दैट इज जो आपकी पूरी जीएस है उसको 25 डेज में हम निपटा देंगे पूरी की पूरी। पहले तो उसके लिए आप मुझे जल्दी से ये बताएंगे कि आपका अभी जो अभी मैं थोड़ा सा आपसे, जब तक अभी थोड़े से लोग और आ जाएं उसके बाद हम अपना प्रॉपर वो शुरू कर पाएंगे, तब तक आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों के अभी जो मार्क्स आ रहे हैं, जो मॉक में स्कोर कर रहे हो, वो कैसा क्या आ रहा है? हाउ मच आर यू स्कोरिंग देयर इन मॉक्स एंड ऑल? 27, मतलब कंप्लीट बताना, कंप्लीट स्कोर आपका क्या आ रहा है एसएससी सीजीएल के जो आप मॉक्स दे रहे हैं उसमें, कंप्लीट स्कोर कितना आ रहा है? और ईमानदारी से बताओ, चाहे जितना कम हो कोई फर्क नहीं। सुमित आपका टोटल स्कोर 57 है, ठीक है 57। रुको मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा पोल ले लेता हूं, है ना, उससे एकदम बढ़िया आइडिया लग जाएगा, उससे एकदम बढ़िया आइडिया लग जाएगा। रुकिएगा, पहला स्कोर आ रहा है आपका लेस देन 80, ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 80 से 100, ऑप्शन सी है 100 से 120, ऑप्शन डी है 120 से 150, और इसको 125 कर लो, इसको भी 125 से 155। मैं एवरेज स्कोर पूछ रहा हूं, मैं किसी एक टेस्ट का स्कोर नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। तीसरा है 155 से 180 प्लस। आइए जरा एक बार, जरा आप लोग एक सेकेंड पोल ले लीजिए, पोल ले लीजिएगा गाइस, टेक द पोल, उससे मुझे ना बढ़िया आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली आप लोग कहां पर लाई कर रहे हैं। सब लोग पोल ले लीजिए, कम ऑन। वंडरफुल, ठीक आएंगे ये वाले भी आएंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। वेल मनीष, नो द आंसर इज नो, बट दिस इज फॉर द रिविजन, इफ यू ऑलरेडी नो जीज हाउ टू रिवाइज एंटायरली इन 25 डेज, बट यस इन 25 डेज द थिंग्स दैट आई बी टेलिंग यू विल गिव यू अ गुड ग्रेट बूस्ट, इन फैक्ट कि आप मैक्सिमम अमाउंट कवर कर पाएंगे उसमें टाइम में, ठीक है वंडरफुल। सो मोस्टली आई कैन सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइंग इन दिस रेंज, है ना 52, 72, 85% से इस 85% के आसपास जो लोग हैं वो इसमें, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है 85% आप लोग इस रेंज में लाई कर रहे हैं, जिसमें 60% लोग जो हैं वो इन मार्क्स रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो अभी आपने देखा होगा, अब इस समय जो आप, आपको एक फैक्ट बता दूं, अभी आपके जो भी मार्क्स है हमारे पास 30 डेज है, ठीक है ना, तो ये जो चीज है ना, अभी के अभी आप जो लोग यहां पर है ना, दे कैन इम्प्रूव, एक एवरेज इंप्रूवमेंट जो लोग कर सकते हैं 45 से 50 मार्क्स का, यहां पर जो लोग लाई कर रहे हैं वो भी 50 से 55 मार्क्स का इंप्रूवमेंट, और जो यहां लाई कर रहे हैं वो भी 50 से 55 मार्क्स का इंप्रूवमेंट, इतना इतना इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ये मैक्सिमम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप 190 लेके आ जाओगे अगर आप अभी ला रहे हो, ये लोग ला सकते हैं जो इस रेंज में ना 130-140 प्लस है वो 180 तक ला सकते हैं आराम से, यहाँ वाले आराम से 195 ला सकते हैं, लोग लाते भी हैं, बहुत इजीली लाते हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। और अच्छा पहले ये बताइए, क्लास तो शुरू हो गई लेकिन मैंने आपको, आई डोंट नो इफ सम ऑफ यू नो मी और नॉट, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो मी, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दिए देना ही मैंने आपका सेशन शुरू कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं या जो पहली बार ही आए हैं, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू देयर? अच्छा चलिए बहुत कम है, तो फिर
बाद में देंगे, ठीक है? अच्छा ओके, सो ठीक है, मैं छोटा सा इंटरव्यू दे दे रहा हूँ, इंटरव्यू कह रहा हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सो माय नेम इज अमन श्रीवास्तव, जैसा कि आपने सेशन की स्टार्टिंग में ही देखा होगा, एंड आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैकल्टी ऑन अन अकेडमी, और सो इट्स बीन लाइक नाउ 3 years सिंस आई एम टीचिंग इन एन अकेडमी, एंड आई स्पेशलाइज इन क्वांट्स। जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो है क्वांट्स, जीएस एंड स्ट्रैटेजीज, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजीज, करंट अफेयर एंड स्टैटिक। आई डोंट टच दिस वन, आई डोंट टच योर इंग्लिश एंड रीजनिंग। Although English में when I gave my paper, it's been like I guess 2015 के आसपास मैंने दिया था, so I scored 170 out of 200 that time. It was my first time I was about to write the SSC, and then 50 out of 15 English. तो ये सब approachable होगा, अगर मेरे जैसा इंसान 50 में 50 English में ला सकता है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना? Yes, तो आराम से आप भी ला सकते हैं, क्योंकि मुझे अंग्रेजी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं अंग्रेजी कैसे करता था कि यार यहाँ पर हैज लगा रहा हूँ, द चिल्ड्रन हैज गॉन टू द पार्क, हैव गॉन टू द पार्क, हैव ज्यादा सही लग रहा है, हैव लगाता हूँ यहाँ पर। तो मेरा जैसा अगर इंसान कर सकता है ना, तो फिर आप 100% कर सकते हैं, ठीक है? सेम थिंग हैपेंड दिस वन, हां जी, CHSL के लिए भी है। मैं इन सब्जेक्ट्स में क्वांट्स, जीएस, स्ट्रैटेजी, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, मैं इसमें डील करता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद अगर मेरे ये आ गए, फिर मैंने WO का पेपर दिया। WO का पेपर में भी, अब मैं ठहरा इंजीनियर बैकग्राउंड का, अकाउंट्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स से दूर दूर तक अपना रिलेशन नहीं था इंजीनियरिंग में, SSC CGL की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें भी पता चला, वो भी मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया, WO का एग्जाम भी मेरा क्लियर हो गया, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ था ये सब कुछ। तो यानी कि अगर, फिर वही कह रहा हूँ, अगर मेरे जैसे इंसान कर सकता है तो आप छटिया कर सकते हैं, आप में से हर इंसान मुझसे, क्योंकि अगर मैं ट्रेन कर रहा हूं तो फिर सीधी सीधी बात है कि आप इंप्रूव कर ही लेंगे। तो ये अपने टारगेट्स रखिएगा कि जो भी कर रहे हैं आप 170 प्लस ही अपना टारगेट रखेंगे हर कोई, ठीक है? 170 प्लस करना कैसे है, क्या करना है, उसके लिए मैं आपको पहले जीएस के बारे में बता देता हूं। जीएस के लिए ना, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जरा दिखा रहा हूं। SSC CGL की मैं बात कर रहा था, और CHSL मैं कराऊंगा, CGL CHSL दोनों ही चीजें हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, और आप क्या करेंगे, जरा उसमें आंसर देंगे, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि क्या डिफरेंसिएशन होता है, तैयारी जो आपको जीएसटी करनी है कैसे करनी है, ठीक है? जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, एक सेकेंड रुकिएगा, बस मैं जरा फाइल पुल कर लूं, उससे आपको एग्जाम आइडिया लगेगा कैसे पढ़ना है जीएस को। नॉर्मल जो आप पढ़ते आए हो वो सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आपने मेरे भी फ्री प्लेटफॉर्म वाले कोर्सेस करे तो ठीक है, लेकिन अभी आपको चीजें दिखेंगी कि क्या हमें करना हो पाए। जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो चलिए सबसे पहले, और हम लगभग लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे, और हर कोई, जी जी, सबके लिए सफिशिएंट है, ठीक है? हर कोई, आप जो आंसर्स देगा ना, हर कोई मुझे ये लो, ये रहे क्वेश्चंस, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, हर कोई पोल में पार्टिसिपेट करेगा। चलिए पोल लीजिए गाइस, कम ऑन क्विकली पोल लीजिए। नहीं, 8 दिन 10 घंटे नहीं, ऐसे जीएस मजाक थोड़ी ना यार, 6 साल की जीएस है, कहां से कंप्लीट करोगे इतना जल्दी? हिंदी में देख, इतना आपको अंग्रेजी समझ लीजिए, अभी स्ट्रैटेजी में हिंदी लाना बहुत मुश्किल होता है यार, ठीक है? वेरी वेल, ये SSC के सिर्फ आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं, ताकि एक बार सिर्फ आपको दिखा रहा हूं क्या चीज देखी जाती है। देखो तो 50% लोग जो है वो सही है, जीएस मतलब जनरल साइंस होता है, ठीक है? चलिए किशन झा फर्स्ट है, आप लोगों को सबको अपनी रैंक्स दिख गई होंगी, जरा अपनी रैंक बताएंगे एक बार मुझे, आप सबकी स्क्रीन पे आपकी रैंक आएगी, सबकी स्क्रीन पे आपको रैंक दिख रही होगी, कम ऑन, 24 है, थर्ड है, और मतलब बेझिझक बताइए, अगर 100 भी है ना तो बेझिझक बताइए, 90s में भी है ना तो बेझिझक बताइए। बाकी लोगों ने पोल नहीं दिया, 34 है, कोई बात नहीं, 87 है, ठीक है मोहित, कोई बात नहीं, अगर 100 के पार है तो दिखेगी नहीं, 100 तक ही रैंक खाली दिखती है हमारे इसमें, ठीक है? आइए, नहीं नहीं पोल में देते हैं दोस्त, ठीक है? चलो मैं अभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखोगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा कैसे तैयार करनी है। अब जरा यहां पर आ जाओ, जो चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, सिर्फ पोल में आंसर देंगे और कहीं नहीं, सिर्फ पोल में आंसर देंगे, ओनली इन द पोल, कम ऑन। ओनली इन द पोल, वंडरफुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं मोहित। चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो कितना आसान है नंबर लाना, ठीक है। वसंत वासु, वेरी गुड, ठीक है। आप सबकी स्क्रीन पे आपकी अपनी अपनी रैंक्स होंगी, ठीक है। नहीं पोल, ठीक है, पोल दिखेगा, आप रिफ्रेश कर लो एक बारी। चलो मैं 10 क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग अप टुडे। जरा यहां पर आना, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? आइए यहां पर आ जाइए, शुरू करिए, पोल आ जाएगा। देखिए पोल सामने आपको दिख रहा होगा, क्विक, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हिंदी में तो कितना ही मुश्किल है, ये बताओ। सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कितना आसान है ये, है ना। सरकार का, भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, कौन, या संविधान के हिसाब से भारत सरकार का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। रैंक दिखेगा, होने तो दोस्त पहले ओवर तो होने दीजिए। वेरी गुड, ये हमारा जो पोल है, ये सारी चीजें, आपका टाइम टेकन टू आंसर वगैरह, ये सब कैलकुलेट करता है, ठीक है। जोन्स फर्स्ट, शिवम शर्मा सेकंड, विजय सिंह थर्ड। ऑल राइट, आइए देखो। अभी मैं आपको बताऊं, हम जितने भी, ये रिस्पॉन्स की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो यहां पर आ जाओ, या इस पे छोड़ दीजिए, जरा यहां पर आ जाइए। आइए, ये सवाल आ गया है आपका, आइए, ये सब एसएससी का है, वो सवाल है। कम ऑन क्विक, अब रैंक की ऐसी की तैसी हो गई होगी, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा। अभिषेक, जो भी आपको आंसर देना है, सिर्फ पोल में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पोल में। ये रैंक बिगाड़ने वाले सवाल है, ये बहुत बढ़िया। सो जरा रिस्पॉन्स देख रहे हैं। सर एग्जाम हिंदी में भी आता है, सर ये सही बात नहीं है। एग्जाम का फॉर्म भरते हैं मोहित, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं? जल्दी से बताइए, कितने का भरते हैं? जल्दी बताइएगा, बताइए। यहां कितने की स्पेशल क्लास ले रहे हैं आप, बताइए, ये सही बात है? फिर एडजस्ट हो सकता है ना, फिर इतना है बात की नहीं दोस्त, ठीक है। चलिए आइए, है ना, इतना तो फिर एडजस्ट हो सकता है, बनता है दोस्त इतना। चलो देखो, ये लोकल सेल गवर्नमेंट के ऊपर, अभी समय कम होता है ना, तो देखो क्या होता है ना, अगर मैं हिंदी में टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं सोचता हूँ मैक्सिमम चीजें कवर कर रहा हूँ, मेरा फोकस ये होता है यहाँ पर, ठीक है। देखो अभी प्लस के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा देर बाद, ठीक है, पहले समझ लो, पहले मैं स्ट्रेटेजी कंप्लीट करूंगा, फिर जितने भी लोगों को प्लस के बारे में जानना है मैं एंड में बता दूंगा, आप लोग वेट करिए, ठीक है। लेकिन पहले बताऊंगा, देखो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है यार, वो लोकल सेल गवर्नमेंट क्या होती है, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। देखिए क्या करेंगे, समझना, ये जिला पंचायत, यार जिला पंचायत कभी पुलिस जिला पंचायत के अंडर में आती है क्या? नहीं ना आती है, जिला पंचायत कभी अंडर में नहीं आती, राइट। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक बार आप क्लास करेंगे आदित्य आपको बहुत पसंद आएगी, पॉलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है क्या? ज्योति वेट करिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में पुलिस आती है क्या? नहीं आती है, ठीक है ना। यानी कि आपने जानबूझ कर ऐसे क्वेश्चन जो सबके गलत होते हैं मोस्टली, अरे ऐसा, ठीक है, यही मान लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सरसाइज बाय लोकल गवर्नमेंट, और उससे मुझे मिलेगा क्या ये बताइएंगे, ऐसा सवाल, ऐसा पिक करके मुझे मिलेगा क्या ये बताइए गौत्सव। चलिए सर, मैं नेवी डबल ए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, इतना टफ क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं सर। दोस्त कहाँ टफ है ये, कहाँ टफ है ये एग्जाम क्या है, वो क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी जाती है उनको, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। आप बड़े बढ़िया सरकाजम है आपके अंदर, ठीक है, अच्छा है। मैंने वही क्वेश्चन ही सिलेक्ट करे हैं जो गलत होते हैं, गलत नहीं होते, इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। विजय सिंह बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप, एस गणेश, शिवम शर्मा, कितने लोगों की रैंक एकदम ऊपर से नीचे हो गई बताइए।
ऊपर से नीचे एकदम उल्टी पुल्टी हो गई रंग, ठीक है। अब जरा एक बात समझना, जरा एक बात समझना, कहां पर थे और रैंक कहां पर आई है, जरा ये बताना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाह रहा हूं उससे, कहां पर थे और रैंक नीचे गिर के कहां पर आई है, 24 से 34 आई है और रैंक शो नहीं हो रही तो 100 के पार है, 6 से 20 आई है, 40 से 66 आई है और 8 से 47 गई है, 54 से 78 गई है। बस अब जरा एक चीज समझना, अब जरा एक चीज समझना, आप ये बताइए आपने एक या दो क्वेश्चन गलत करे हैं, आप रैंक में देख रहे हैं कि कहां से कहां आप चले गए हैं, सिर्फ मुश्किल से 80-90 बच्चों में, ये चीज देख रहे हो यार आप, 26-26 पीयूष पीछे चढ़े गए सिर्फ 80 बच्चों में, 80 में अगर आप यार 26 जा रहे हो तो जब 800,000 होंगे तो अपने आप देख लो कि एक दो क्वेश्चन गलत कितना नीचे फेंक देते हैं। जस्ट मुझे सिर्फ आपको यह दिखाना था कि एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट होती है मैटर में, कितना एग्जाम में मैटर करती है। अगर 80 बच्चों में आप 26 रैंक नीचे आ गए, जब 800,000 होंगे तो कहां पर आ जाएंगे आप, ठीक है। इसीलिए तुक्के छोड़ दो, ठीक है। पहली चीज यार, आप पहली चीज जीएस में सबसे अच्छा करना है तो सिर्फ सबसे पहले गेस वर्क को बंद कर दीजिए, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी जैसे मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा आप देखना आपके रैंक का जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक भी गलती आपको मैं बताता हूं, जब रैंक देखोगे ना कभी तो टॉप रैंकर्स जो होते हैं ना, जो मान लो 175-180 स्कोरर्स हैं, ठीक है, ये होते हैं एक एक नंबर पे, मान लो 5-5 होगा, 10-10 होगा। जैसे ही आप 155 पे आते हो, एक स्कोर के ऊपर आपको कम से कम 70 से 80 लोग, 154.5 पे कम से कम 100 लोग, 154 पे कम से कम 150 लोग ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो एक रैंक आप एक क्वेश्चन गलत होने पर बहुत बड़ा 600-700 का नुकसान होता है, यानी एक पूरी पोस्ट चली जाती है, ठीक है। आप यहां पर आ जाइए, लीजिए आंसर करिए। ऑलराइट, आई जस्ट टेल यू, डोंट वरी, आई जस्ट टेल यू, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं। मीनाक्षी आंसर सिर्फ उसमें करते हैं, सिर्फ पोल में करेंगे। हम सब लोग ध्यान रखिए दोस्त, यही एग्जाम में आता ही है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आता है, ये मैंने अपने मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के हैं, ठीक है। तो हो देखना होता है। विजय, ये आपका भी गलत हो गया, इस क्वेश्चन ने तो और ऐसी की तैसी कर दी होगी यार। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एनएच, ठीक है, ये होता है एनएच नेशनल हाईवे, ठीक है। ये क्या होता है, दे आर मेंटेन्ड बाय एनएचएआई व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सेंट्रल हाईवे नेशनल हाईवे मेंटेन करती है, एसएच जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही, जो इंडिविजुअल जिस स्टेट में आ रहा है वही मेंटेन करता है उसको। सवाल में मेंटेन था, बनाने का नहीं था, मेंटेन था। कौन बनवाता है ये सवाल नहीं था, बनवाने में सेंटर और स्टेट दोनों लोग हेल्प करते हैं, ध्यान देना, माइन्यूटनेस देखी सवाल की। बनवाने में सेंट्रल से भी फंड आता है उसके लिए, सेंट्रल से अप्रूव होता है, सेंटर हेल्प करता है उसको बनाने के लिए, ठीक है, वेलकम स्नेहा। लेकिन सवाल ने बोला था मेंटेन कौन करता, तो वो इंडिविजुअल स्टेट है यार, ठीक है। आइए दूसरी चीज क्या सीखी, बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है, बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पर चल रहे हैं, ये ऐसे सवाल भी आते हैं, ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, इसका जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। तो देखो ये कोई भी हो, ठीक है, इसका जवाब कोई नहीं, अगर मैं भी एग्जाम में बैठा, अगर मैं स्टूडेंट होता, अगर मैंने, अगर ये मुझे मैंने यूके और यूएस को नहीं पढ़ा होता तो मैं भी आंसर नहीं कर पाता, ये स्किप है, ठीक है, ये स्किप वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी ध्यान रखना एग्जाम में आपको ऐसे भी सवाल मिलेंगे जो आपको नहीं करना है, मतलब स्वयं प्रभु आकर के भी एग्जाम दें तो शायद इस क्वेश्चन को ना कर पाए, इसलिए ठीक है अभिषेक, दैट्स करेक्ट, इसलिए एग्जाम में आपको ये चीज छोड़नी होती है, क्लियर। अगर जोन्स, इज दैट अ क्वेश्चन टू आस्क दैट इफ आई नो दिस विल आई देन ऑल्सो शुड आई स्किप, है ना, समझ रहे हैं, तो फिर करेंगे ही करेंगे प्रपोजल। चलिए बढ़ते हैं आगे, आओ कम ऑन, दिस इज एन इजी क्वेश्चन एवरीवन, हम्म,
विधान जो स्टेट लेजिस्लेटिव यानी विधान सभा जो होती है स्टेट की, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा नहीं, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? वेलकम शिवांक, बहुत बढ़िया कमल। अरे भाई, किसी ना किसी को कोई ना कोई तो सीधे पोल में मतलब दे ही देता है। अरे मत दीजिए, पोल का मतलब क्या है यार? पोल में आंसर देना है, इसमें नहीं देना है। नहीं 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 मानेंगे, नहीं मानेंगे। अरे सुन लीजिए, मेरी भी, मैं भी एक सुन लीजिए, मैं भी यहां पर मतलब जो गाइडलाइंस है वो मैं ही दूंगा आपको, ठीक है? गाइडलाइंस जो है वो मैं ही दूंगा, तो इसलिए ये करेंगे कि आप कोई भी आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं देंगे। ऑल दी आंसर्स आर टू बी पोस्टेड इन दी पोल ओनली, ठीक है? वेरी गुड। चलो, द करेक्ट आंसर इज 500, ठीक है? विधानसभा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिमम सीट 500 होती है, ठीक है? आइए जरा इसमें आएंगे, वेलकम दशांत, जरा इसमें आएंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, अभी बताता हूं क्या चीजें हो रही हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं, सबको पता होगा ये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप देखो, करंट अफेयर्स जो होता है पॉलिटी करंट अफेयर्स से आती है। पॉलिटी करंट अफेयर से कैसे आती है ये समझाता हूं। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। जरा यहां पर आ जाओ, ये 2012 का सवाल है, 2015 का सवाल है ये, ठीक है? जरा आप लोग इसका, कौन सा चीफ मिनिस्टर 3 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर बने हैं? अब जरा इसमें लेना, आंसर कोई नहीं करेगा अभी, ठीक है? पोल में आंसर देंगे, सिर्फ और पोल, सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर देंगे। विधानसभा, विधान परिषद, नॉट लवन, नो लवन, इट्स नॉट ऑल द जी, ऑल द PYQs, नॉट एट ऑल, ठीक है? सारे नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट वंस होते हैं वो करने होते हैं। पोल को ब्लॉक करें। देखिए, नीतीश कुमार जिनका आंसर है वो भी सही है, तरुण गोगोई जिनका आंसर है वो भी सही है, ठीक है? नीतीश कुमार जिनका आंसर है वो भी सही है। नीतीश कुमार बिहार, तरुण गोगोई असम, समझना, ये 2015 का सवाल है, ठीक है? और एक और चीज बताऊं, जब ये सवाल आया था तो नीतीश कुमार जो थे ये बिहार के सीएम तीसरी बार नहीं बने थे, तो उस समय तरुण गोगोई बने थे, तो दोनों सही है। ये कौन सा सवाल हो गया? ये 100 रुपए का सवाल हो गया, ठीक है? क्लियर, ये 100 क्वेश्चन आ गया। रैंक, ये तो SSC में भी होता है यार, प्राइमा फेसी रैंक तो खिसक ही जाएगी, फिर आप 100 रुपए देते हैं। रैंक इंप्रूव करने के लिए क्या उपाय, आप जानते हैं, SSC 100 रुपए लेती है, ठीक? मैं तो SSC से छोटा ही है। एक खास बात, ये सवाल मालूम है, ये वेरी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था ना, ठीक है? ये हाई लेवल क्वेश्चन है ना, ये है कि नहीं है, ठीक है? तो ये हाई लेवल एग्जाम में भी आया होगा। तो देखो, अरे पोल नहीं चाहिए, इस पे हम आ चुके हैं एक बार। ये कौन सा क्वेश्चन, ये कौन से एग्जाम में आया था? तो देखो, CGL का लेवल नहीं है इतना कि CGL यहाँ पर आ पाए, तो इसीलिए ये वाला पूछा गया था MTS 2016 में, ठीक है? ये SSC 2016 MTS का जो पेपर था ये उसमें पूछा गया था, ठीक? चलिए, आप UPSC बोलने वाले थे ना, तो होमवर्क है, रूटी अपने आप होमवर्क है, थोड़ा मेहनत करिए। आइए, ये MTS में बेसिर पैर के सवाल पूछते हैं यार, सबसे सिर पैर वाले सवाल ना CGL में पूछते हैं। आओ जरा, ये सवाल, ये कहां पर पूछा गया है? ये CHSL में पूछा गया है, CGL में अभी फिलहाल ऐसे गंदे सवाल नहीं पूछते, ठीक है? अब आप आओ जरा इस पे करिए, बस अब मैं रोक रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है? मेरे को जो आपको दिखाना था, समझाना था, वो हो गया। जोन्स, ओनली SSC पीपल कैन टेल दैट। बहुत बढ़िया, और कई सारे लोगों की रैंक इंप्रूव होते हुए और कई सारे लोगों की रैंक खिसकते सकते हुए, ठीक है? देखते हैं, होमवर्क है मोहित, अपने आप PDF रहेगी, अपने आप देखिए, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन में किसका क्या था ये देखना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, विजय सिंह, आपने पूरी पोजीशन मेंटेन करी है, बहुत बढ़िया। KG गौतम, शिवम शर्मा, बहुत बढ़िया। जो सेवन, ठीक है? सो दिस इज द फाइनल, दिस वन मॉर्निंग अमर, दिस इज द फाइनल, दिस टैली ऑफ द स्कोर, ठीक है?
84 से 79 वापस से 24 पे आए हैं आप 33 से 33 दो का इजाफा है, अच्छी बात है। चलो तो ये थे सवाल जिस तरीके के आपके क्या होते हैं जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, अभी इसी साल का है ये वाला, जरा इसको करोगे और यहां पर मैं आपको पोल देता हूं। आइए कम ऑन क्विक, अरे सब बता देंगे, ठंड तो रखी है सब बताएंगे। अनूप कुमार आंसर इसमें नहीं करते, पोल में करते हैं। अंजलि आपने प्योवालिटी पढ़ी कहां से? गाइस पोल में आंसर करो सब लोग, बहुत बढ़िया। बताता हूं, वेरी गुड विजय शिवम के जी, बहुत बढ़िया गाइस, आप लोग तीन तीन क्वेश्चन ही गलत हुए हैं 11 में, ठीक है अच्छा है। ल्यूसेंट व्यूसेंट ऐसे नहीं पढ़ी जाती है यार, वो पूरी पोथी है, वो ग्रंथ है, वो ल्यूसेंट एक किताब नहीं है, वो ग्रंथ का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन है टोनी, मिस हो गया शायद आपका क्वेश्चन, ल्यूसेंट एंड ऑल ये ग्रंथ में आते हैं यार, उसको किताबों में नहीं गिनते। देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली चीज ध्यान रखो, मैंने अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो आप समझेंगे, आपको याद होगा कि ल्यूसेंट कह रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट आपने मैंने पढ़ाया होगा, अगर आपने मुझसे पढ़ाया तो आप जानते होंगे मैंने आपको इलेक्टोरल कॉलेज सिखाया था। जैसा जैसा प्रेसिडेंट का होता है वैसा वैसा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है, बस क्या नहीं होता है इसमें, जो स्टेट मशीनरी होती है वो हट जाती है, ठीक है। तो वीपी में क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल द मेंबर्स वोट, ठीक है, नॉट जस्ट द इलेक्टेड वंस बट द नॉमिनेटेड वंस एज वेल, ठीक है, ये कहानी होती है। अरे बुक से नहीं होता है यार, आप लोग बुक क्या मतलब, ल्यूसेंट ही तो होती है, ल्यूसेंट मनोहर पांडे, ये तीन दो तीन किताबें, बुक से आप लोग पढ़ते रहिए, कृपा बरसेगी कभी। चलिए देखिए, हाँ अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं, ये समझ गए ना क्या करते हैं। देखो अब आपने सोचा निटी ग्रिटीज है, ठीक है ना, यानी छोटी छोटी चीजें। एक और चीज आपको इसी इलेक्शन से पूछता हूं, अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा हुआ है तो ये आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए, ध्यान रखो जो एक बार पढ़ लो फिर कभी ना जाए। आओ जरा यहां पर आना जरा, 21 आप लोग कतराते हैं, प्लस नहीं भूत हो गया है कि वो प्लस देख लिया, वो भूत देख लिया, हद हो गई, मतलब डर है, नहीं पैसा जो है जेब में रखा है कत्ता ही, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर लगने ना पाए कछु हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई, इंप्रूवमेंट उसके बिना भी हो सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा, मैं पहले प्लस इसीलिए बात ही नहीं करता, एंड में बताता हूँ, पूछ लेता हूँ, जिसको लेना हो वो बता देना, उनको खाली बताऊंगा, जिनको नहीं लेना उनको पहले बोल देता हूँ कि आप लोग अब जा सकते हैं, आपकी क्लास खत्म हो गई है, अब सिर्फ प्लस वाले जिनको चाहिए वो लोग रुकेंगे। क्या हो रहा है ये सब है, देखो इसमें थोड़ा सा आंसर जो है वो देखो क्या हो रहा है समझना यहां पर, तो ये जो है समझो इट इज ओनली डी। अब देखो एक गलती तो यार मेरी भी, जब आपने इतनी गलतियां करी हैं, ठीक है, आपको अगर अपनी एक गलतियां करी तो एक गलती मेरी भी माफ है, ठीक है। मैंने एक्चुअल में गलती से ना ऑप्शन सी पे क्लिक कर दिया पोल में, आइडियली डी है, हाँ, इज ओनली एंड ओनली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, द इलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड, एक क्वेश्चन सही हो रहा था अदिति, वो भी अब वो मेरी वजह से गड़बड़ हो गया, एक गलती माफ है यार, चलिए ठीक है। तो अभी बता दूंगा वो सब, अभी एंड में बता दूंगा, पहले नॉन प्लस वाले ज्यादा होते हैं तो पहले उनको बता दूं क्या करना है, फिर प्लस वालों को बता दूंगा, ठीक है। वरना अगर नॉन प्लस के बीच में प्लस की बात करो तो इतना सुनाते हैं, सर बताइए और भैया पैसे की बात कर रहे हैं, सर पैसे की बात, तो इसीलिए पहले नॉन प्लस वालों को बात करने के बाद फिर प्लस की बात करता हूं मैं एंड में एकदम। चलो इज श्योरली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया, ठीक है, चलो दिस इज द आंसर। और समझो ध्यान रखना यार, जो इलेक्शन प्रोसेस होता है ध्यान रखना, एक और चीज देखो ये क्या होता है, ये जो इलेक्शन प्रोसेस होता है ये पूरा का पूरा कहां पर कौन डील करता है इससे, सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर में होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में होता है, ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए कमेंट में आंसर
भाई देते हैं जिनका पोल में गलत होता है। अच्छा ऐसा भी है क्या? ये बढ़िया रीजनिंग है वैसे। अच्छा दैट मेक्स सेंस मैन, आपको आंसर तो पता ही चल जाता है ना। और इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट करता है, और उसके बाद इसका ज्यूरिसडिक्शन यानी कोई डिस्प्यूट हो गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, वो देखता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बात समझ आ गई? यानी डिस्प्यूट्स आप कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इलेक्शन कमीशन क्या देखेगा भाई? प्रोसेस देखेगा, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो मैं ऐसी अपडेट डाल देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। इट इज अमन SRV, ठीक है। इट्स ए एम ए एन, खबरदार किसी ने यम बोला तो, ए यम ए एन। प्रोनाउंसिएशन पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ, ठीक है, आपने प्रोनाउंसिएशन, अभी मैं आपको बायो में ना प्रोनाउंसिएशन नाम प्रोटोजोआ के नाम बुलवाऊंगा जी। स्पेशल क्लास है, मान लीजिए आपके लिए नहीं है, प्लस वाले जितने भी लोग हैं वो जाए अपने अपने होमवर्क करने जाके जो आपको होमवर्क मिला है, क्योंकि ये प्लस वालों के लिए क्लास नहीं है, ठीक है। नन ऑफ दी प्लस, अरे मतलब प्लस में जो ऑलरेडी लोग हैं वो लोग क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, जो लोग ऑलरेडी प्लस में है वो आप लोग ये क्लास नहीं है यार, ये आप लोग की स्ट्रैटेजी अलग चलती है, ठीक है। आप प्लस है, आरती इज दैट यू? अदिति शुक्ला, आई यू आरती शुक्ला? क्योंकि आपका जो जॉनर है, अच्छा ठीक है, तो देयर यू हैव एग्जैक्टली अ मिरर कॉपी, अ मिरर सिस्टर ऑफ योर्स, हर नेम इज आरती शुक्ला, सो हर जॉनर इज एग्जैक्टली सेम एज योर्स, यू गाइस विल जेल अपग्रेड टुगेदर, कम इन माय बैक सम टाइम, आई हैव अ क्लास। अच्छा जितने लोग प्लस में उनको क्लास बता दे रहा हूँ आज की, ठीक है, फिर मैं नॉन प्लस वालों को बताता हूँ, जो लोग जिनके पास अभी नहीं है वो उनको कैसे करना, और जो लेना भी नहीं चाहते किसी भी कारण से, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, दैट इज ऑल फाइन यार, मजाक अपनी जगह है, कई कारण होते हैं, क्योंकि देखो किसी के पास भी ना अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा एजुकेशन और हेल्थ केयर, इसके ऊपर कोई पैसे बचाने की कोशिश नहीं करता है, मेरा ऐसा मानना है। आज की आपकी जो क्लास है, मेरी कोई क्लास नहीं है आपकी, शायद 2 बजे होगी एक मेंसुरेशन की, ठीक है, तो नहीं तो बाकी मेरी क्लास कल आपकी, कल सुबह से आपकी बहुत सारी क्लासेस हैं, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस के बैचेस, ये कल 11 बजे 2 बजे मेरी क्लासेस हैं, जो लोग ऑलरेडी प्लस में वो लोग आ जाएंगे। पॉलिटी पॉलिटी या पॉलिटी पर्स कल ही तो हुई थी मेरी पॉलिटी, ठीक है, आती थी प्लस में पॉलिटी हुई थी, अब ज्योग्राफी होगी, आप उसको कर लो, कल ज्योग्राफी होगी। माई टाइमिंग क्लासेज आर 11 AM to 2 PM, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं डाल देता हूँ इस चीज को, अमन SRV है ये, ठीक है, अमन SRV। चलिए आइए, अब मैं जरा आपको रिवीजन स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं, ठीक है, हाँ मैं बता देता हूं। आओ देखो, अभी पहले थोड़ा सा जो फ्री वाले हैं पहले एक बार बता दो, उनको पोल ले लेते हैं यार, कितने लोग ऐसे हैं जो प्लस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो किन्हीं कारणवश नहीं ले सकते और वो चाहते हैं कि भाई हम इस मोड के ऊपर चलेंगे, ठीक है। आइए, सो कमिंग अप ऑन टू दिस वन, जोन्स आई डिडंट गेट दैट, एमए मींस Cat Plus subscription 2019 is there? Akash Singh sir completed whole MA. MA, I didn't get MA. इस पे आ जाएंगे जरा। हाँ मोहित आपने दल बदल लिया, इसे भी चलेगा। तो इसमें सिर्फ पोल में, सिर्फ पोल में, सिर्फ पोल में, सिर्फ पोल करिए बस, सिर्फ पोल में आप बताएं। डी वो है जो सोच रहे हैं दूसरे का सब्सक्रिप्शन होगा, उसमें थोड़ा सा हम भी देख लेंगे, ठीक है, ठीक है भैया। देखो दूसरे वाला, दूसरा वाला नहीं चलेगा, ठीक है, दूसरे वाले का प्लस लेकर के वो चलेगा ही नहीं, आपको अपना ही लेना पड़ेगा, ले रहे हैं तो चलो। तो पहले मैं फ्री वाले पे बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या करना, मैं आपको कुछ फाइल्स भी दे रहा हूँ जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। देखो अभी कोई गया तो नहीं ना, अभी कुछ फाइल्स दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स, कुछ ऐसी चीजें दे रहा हूँ कि आप यहाँ तक आए हो, इतना दूर तक आए हो, तो कुछ तो बढ़िया लेके जाओ जिससे आपको मतलब कम से कम श्योर श्योर 4-5 नंबर तो मेरे नाम के आपके पास हो ही हो, एक क्लास से कम आपके 300-400 रैंक तो इंप्रूव करा ही दूं। रुको एक सेकंड, देता हूं वो, देखो मिनिमम टू मिनिमम आपके तो 300-400 रैंक इंप्रूव हो जाएगी सिर्फ इस सेशन से। आइए लीजिए, सो सवाल नहीं है, देखो ये देख लीजिए, पहले चीज तो जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होता है ना, आपने देखा होगा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि यार ये पर्टिकुलर जैसे किस खेल से एसोसिएटेड है, जैसे देखो ये क्वेश्चन आता है अंजुम मुदगिल किससे एसोसिएटेड है, शूटिंग से, ठीक है, अंजुम मुदगिल शूटिंग से एसोसिएटेड। तजिंदर पाल सिंह किससे एसोसिएटेड है, एथलेटिक्स से, जितनी मैंने लिस्ट दे दी उसके बाहर कोई एग्जामिनर पूछेगा नहीं कभी, ठीक है, इसके बाहर आता ही नहीं कुछ भी हो जाए, ठीक, मतलब पिछले 3 साल से तो यही हो रहा है कि जो मैंने अभी CPO में मैंने कुछ करंट अफेयर्स बताए थे, सो 4 में से 4 करंट अफेयर्स जो मैंने क्लास में कराए थे वही रखे हुए थे वहां पर, ठीक है।
नहीं ऐसे नहीं बता सकते ज्योति, ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे मैं आपको जो दे रहा हूँ ना, इट इज 0.1% ऑफ व्हाट आई एक्चुअली टीच, तो समझो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो ये हो गया अर्जुन अवार्ड, इसके बाहर नहीं पूछेगा, ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, बस खत्म। अगर वो पूछेगा ना तो इसी से आता है, ठीक है। नहीं अमन एसआरबी पे नहीं, इसे प्लस मेंबर्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसे प्लस मेंबर्स के लिए होती है, मतलब है ये काफी बड़ी है, 81 पेजेस की है, लेकिन प्लस शीट्स स्पेशल लास्ट में ऐसे शेयर करते नहीं है हम लोग, बट ये अवार्ड वाला कम से कम आपके दो चार क्वेश्चन, मतलब दो नंबर एक क्वेश्चन आना तय होता ही होता है, ये पूछेगा, इन्हीं में से आएगा कि ये वाला इंसान किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो मैं ये आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से, अभी इसके बाद विंबलडन की, ऑस्ट्रेलियन ओपन की वो सारी लिस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपने आप कंपाइल कर लेना, क्योंकि मैं अभी आपको दे नहीं सकता वो चीजें। विंबलडन चैंपियनशिप जो है, ठीक है, प्लस वाले बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे सर आप चीज तो वहीं दे देते हो, फिर यहाँ हमारे वाले अलग क्या है, फिर तो इसीलिए थोड़ा सा रोकना भी पड़ता है। मैन सिंगल टाइटल जितने भी विंबलडन, ध्यान रखना, समझो विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया, ठीक है, यूके ओपन हो गया जिसको विंबलडन बोलते हैं, ठीक है, यूके ओपन हो गया जिसको कि विंबलडन बोलते हैं, विंबलडन और कुछ नहीं होता है, जो टेनिस यूके में खेल लो वो हो गया, ठीक है, नहीं सब मिल जाए, नहीं यहाँ पर सिर्फ देखो स्पेशल लास्ट में 1% 2% तक दे देते हैं, बाकी पॉसिबल नहीं होता कि हर बार नया स्टूडेंट होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू, और वो ठीक भी नहीं है यार, जो प्लस में आया दे डिजर्व सम स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स, है ना, यू मस्ट अग्री टू दैट पॉइंट, कि इफ दे आर ऑन प्लस दे डेफिनेटली गेट ह्यूज केयर एंड दिस वन एवरी सिंगल थिंग। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ये वाली जो चीजें हैं इन जून, सो मार्च मैच वीएआरसी वाज कंप्लीट टुडे, रीजनिंग आई कंप्लीट फ्रॉम फ्री कोर्स इन जीए, सारे कंप्लीट फॉर फ्री, प्लस ल्यूसन आई टुक एसएससीजीएल प्री, कोचिंग फ्रॉम केडी इन कपूरथला लखनऊ आई एम, अरे बहुत बड़ा पूरी भाई ने ग्रंथ लिखा है, पढ़ने दीजिए, राजेंद्र फलीगंज लखनऊ, अब मेरे पड़ोसी हैं, शुड आई टेक प्लस कोर्स फॉर मेंस और आई कैन प्रिपेयर विद दी स्पेशल लास्ट, सी सिंस यू हैव ऑलरेडी टेकन एवरीथिंग जोन्स, thing is there is a good probability that you will be clearing the exam, right? अच्छी खासी वो चीज है कि आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर लोगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आप एग्जाम क्लियर कर लोगे वो मैं आपको बता रहा हूं, इतने से सब्सक्रिप्शन से आपको लेने की जरूरत नहीं है सब्सक्रिप्शन, रैंक के लिए लेकिन दोस्त लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो आपको ये है कि इस साल सिलेक्शन लेकर के हम रैंक इंप्रूव करने का समय है, आप चाह रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट दैट इट्स मैंडेटरी, बट यू वांट टू स्कोर अ रैंक देयर because though you can, because you've already taken that, ठीक है, तो वो जो चीज है वो इसी से आएगी फिर, क्योंकि यार वही चीज होती है, एक साथ में जब तक एक मेंटोर ना हो तो हम ऐसा नहीं हमारे बिना कर नहीं पाओगे, हम आपको कुछ जादू की घुट्टी खोल के पिला देते हैं, नहीं यार हम सिर्फ इतना करते हैं जो आप 15 घंटे में कंपाइल करोगे ना अलग अलग जगह से वो हम 30 मिनट्स में आपको करा देते हैं, ये जो टाइम सेविंग होती है ना ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है अपने आप में, तो प्रिपरेशन क्या हो जाती है 30x हो जाती है बस, नहीं ठीक है 2020 जोन्स यू टारगेटिंग इट्स गुड, आई वुड से टारगेट 2020 ये भी क्या बोलते हैं आप मतलब कैट भी टारगेट करो सीजीएल भी, अभी मैं आपको बताता हूँ, आई जस्ट गॉट अ गाय आउटसाइड, आज मैं उनका इंटरव्यू भी लूंगा लैब के ऊपर जो मेरा चैनल है, दिस गाय हैज स्कोर्ड 6 टाइम्स कैट में 99.9% टाइम, ही इज इन माय ऑफिस एंड ही गेव सिर्फ जस्ट वन टाइम, ठीक है बाय ज्योति, ही गेव दिस सीजीएल मेंस वन टाइम एंड गाय स्कोर्ड 197.5 आउट ऑफ 200 विदाउट एनी प्रिपरेशन, so I'll be interviewing him today on my YouTube channel lab, ठीक है, मिलाता हूँ उनसे, तो ये चीजें आप लोग कर लेना, इतने यार अच्छा ये नहीं समझ में आता, इतना कराने के बाद भी आप डिसअपॉइंटेड कैसे हो जाती हैं ज्योति सिंह, दैट फील्स पता है क्यों, अब देखिए छात्रों के संग मुझे ये बहुत चीज आती है, मैंने इतना कुछ दिया अभी उसके बाद भी लिटिल डिसअपॉइंटेड, सॉरी सर बाय, इतना कराने के बाद आप डिसअपॉइंट होते हो तो पता है मुझे मन करता है कि मैं ये भी चीज जो है यार इसको ना चीज ना बताऊं, अगर पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएस ओपन यूके ओपन ये सब कर लेना, now you're disappointed because why I have not given the names of the winners, does that make sense here, I feel it's not of use to get this as well, I feel it's useless to give all these things as well, they are completely useful, nahi samjho na yaar, agar aap hi wahan par hote to aap kya bolte, aap bolte ki nahi sir sara ja ke wahi de do, seedhi si baat hai yaar, hai na, to khair anyway yaar, revision strategy pe main bata deta hu why oh सो रिविजन स्ट्रैटेजी समझ लो भाई क्या करना है, फिर प्लस वालों को बता देता हूँ रिविजन के लिए आपने क्या करना होता है, आपको मैं कुछ चलो जो आप लोगों के लिए अलग चीजें बनाता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ और चीज में बना के लाया था, ऐसी चीजें आप लोग अपने आप भी बना लेना, देखो मैं आपको टाइमलाइन बना के लाया हूँ आपके लिए, समझो
ये देखो ये टाइमलाइन है मॉडर्न हिस्ट्री की, ऐसे आप लोग अपने आप बनाओगे, मैंने आपके लिए बनाई है स्पेशल क्लास के लिए ये। सो टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, इससे क्या होता है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ लो फिर रिवीजन हो जाता है पूरी की पूरी, ठीक है। 1857 में ये हुआ, 1850, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ 1909 है मॉरल एमेंडमेंट रिफॉर्म, तो क्या क्या हुआ था उस टाइम पर। 1918 में अगर रॉलेट एक्ट पास हुई है, ब्लैक लॉ है, इसको बोलते हैं नो अपील नो दलील, तो इसमें क्या हुआ था भाई, इसके अगेंस्ट पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा था 1919 में, पंजाब में इसमें क्या हुआ प्रोटेस्ट हो रहा है। जब 1919 में पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है तो दो लोग कौन, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जलियांवाला बाग में उनको लोगों को अरेस्ट कर दिया जा रहा है, सैफुद्दीन मलिक और सत्यपाल किचलू को पंजाब में अरेस्ट करा जाता है। उनके अरेस्ट के अगेंस्ट लोग बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने जाते हैं। जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो 1919 में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हो रहा है, समझ गए, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। I don't recommend any books लोने का, I simply recommend if you want to go by that books आप अपने आप चूज करो, अदर यू कैन टेक माई कोर्सेज फॉर दैट, ठीक है। सो ये टाइमलाइन मैंने आपके लिए बनाई है, रिविजन टाइमलाइन जो 25 दिन में जैसे आप रिविजन कर पाओ पूरा का पूरा, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन हो गई, क्लियर। इस तरीके से आप एंशियंट की बना लोगे, मेडिवल की बना लोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ, यस जोन्स, 3 to 4 स्टूडेंट्स ऑफ माइन आर डूइंग दैट, दे आर फेयरिंग गुड एज वेल, ग्रेजुएशन में होना तो हो जाएगा, ठीक है। सो ये है, इस तरीके से आप जाओगे, सेम फॉर ज्योग्राफी एज वेल, अपने नोट्स बनाओगे। ये देखो ये A4 शीट्स होती हैं, ये देखो ये A4 शीट्स होती हैं, इनमें क्या होगा छोटे 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 ज्योग्राफी जैसे लैंडफॉर्म्स है, ऊपर हेडिंग डालोगे लैंडफॉर्म्स। आपको आखिरी के दिनों में टाइम नहीं होता रिविजन करने का, ध्यान रखना। यस आई एम गोइंग टू स्टार्ट, अभी बता देता हूँ सारी चीजें। लैंडफॉर्म्स हेडिंग डालोगे आप यहाँ पर, देन छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पर लैंडफॉर्म्स के बारे में सारी चीजें आप यहाँ पर लिख लोगे। एक पेज में पूरा लैंडफॉर्म होना चाहिए, डेली का डेली उसको पढ़ते जाओ, 25 डेज में जीएस रिवाइज करनी है ना, इसी तरीके से टाइमलाइन जो बनानी है ना, अब जो टाइमलाइन बनानी है समझना, ये टाइमलाइन यार आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ, यहाँ एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पर, इतने दो पेजेस में एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन बना लो। पढ़ा आपने पूरा है ही है पहले से, तो क्या होगा सारी चीजें आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगी। इज दैट थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं इसमें, क्या करना है इसमें, बढ़िया से, ठीक है, गुड। चलिए अब आ जाइए जरा जो प्लस के लिए है। देखिए प्लस के लिए कितने लोग हैं प्लस लेने वाले, पहले ये बता दीजिए तो मैं उनको बता दूं। अगर आपको लोगों बेसिक से तैयार करना है, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की, यस इंडीड विकास, एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको प्रिपेयर करना है। Are you sure already? I guess on plus, right? So you're already there. You need not to this one. आप तो already share plus में हो। तो देखो basic से लेके advanced तक prepare करना है, conceptual cover करना है। अच्छा लेना होगा। Okay, okay. अच्छा फिर लेना होगा, एक महीने का था। Okay, ठीक है। मैंने बताया पॉलिटी का जैसे अभी क्वेश्चन बता रहे थे ना, उसी तरीके से बता रहा हूँ। सो बेसिक और एडवांस का जो है, बेसिक से लेके एडवांस तक का कंप्लीट प्रिपरेशन जो है, इसके लिए आपने प्लस लेना होगा, ठीक है। प्लस का सिंपल सा फंडा है, आप एक साल का लेते हो, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, होते 6 महीने के भी है, लेकिन उसमें पूरा प्री और मेंस नहीं कवर पाएगा क्योंकि टाइम नहीं होता है उसमें। मेंस 6 महीने सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, मेंस तब आता है तो वो निकल जाएगा। 1 ईयर का रहता है आपका 6000 का, ये पड़ता है आपका कितने का, 5400 का, आफ्टर एजुकेटेड डिस्काउंट कोड्स होते हैं, दिस इज AMAN10 अमन 10, ठीक है। उसके बाद मैं चल रहा है, आपको थोड़ी सी प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्डेड वाली जो है ना वो भी देखनी होंगी उसके इसमें, ठीक है। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस जितना भी है वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। दिस इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, दिस इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टीचर्स, ऑलराइट, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टीचर्स, ऑल बैचेस, ठीक है, दिस प्राइसिंग, ऑल बैचेस, ऑल टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऑल टेस्ट सीरीज एंड ऑल tiers and इसका जवाब मैं क्या बता सकता हूं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक होता है, बस इतना समझ लीजिए। जो लोग 100 पे आए थे अभी से 3 महीने पहले, वो इस समय 165 पे हैं, ठीक है। आई गेस दैट answers everything, ठीक है ना। सो जी ये बैचेस बताता हूं कैसा होता है, अभी समझा। ऑल tiers यानी tier 1, tier 2, tier 3 एंड ऑल SSC exams यानी CGL, CHSL, MTS, CPO, JEE, ये सारे SSC में कवर होते हैं, SSC कैटेगरी में कवर होते हैं इसी सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग में, क्लियर।
अब देखिए इसमें बैचेस का नहीं होता, इसमें समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो जीएस का एक नया बैच आया, बैच चल रहा है, बैच चला मान लो 3 महीने का, ठीक है, 3 months का बैच होने के बाद क्या होती है, फिर उसके पीवाईक्यूज का बैच आता है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं और कोई चीज नहीं, पीवाईक्यूज बैच आया, पीवाईक्यूज बैच आ गया, ये 2 महीने चला, फिर क्या हुआ, इसका ही क्या हो गया, अब इसका रिफ्रेशर बैच आया, रिफ्रेशर कोर्स, यानी अब जो पढ़े हो भूल चुके हो गए अब तक, फिर रिफ्रेशर बैच आता है, फिर क्या हो रहा है, बूस्टर आ गया, एग्जाम के पहले बूस्टर बैच आया, ताकि वन लाइनर सिंगल पॉइंटर्स में पूरा जीएस रिवाइज करा दिया जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये लगभग 10 महीने का चलता है। सेम गोज फॉर मैथ्स एज वेल, कौन से कॉन्सेप्ट समझे, बेसिक मीडियम एडवांस, फिर उसके पीवाईक्यू करे, फिर उसका फिर कॉन्सेप्ट रिफ्रेशर बैच करा, फिर उसे क्या करे, हाई लेवल क्वेश्चन करे, मेंस के क्वेश्चन करे, ये चीज है। हिंदी में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही होता है, ठीक है, प्लस बैच हिंदी इंग्लिश दोनों ही होता है, ठीक। और कोई चीज जो आप जानना चाहते हैं, किस में विभूति, किस चीज पे, माइक इट विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। एनी अदर डाउट गाइस, और शैल वी रैप इट अप। पटेल, यू आर ऑलरेडी अ प्लस सब्सक्राइबर, यू नीड नॉट टू कम ऑन टू स्पेशल लॉस, ठीक है। एक मंथ का कोर्स मैंने बताया ना अभी, मैंने आप शायद लेट हो गए, लेट आए हो अभी, स्ट्रेटजी फॉर जीएस 2020 कुछ नहीं निशान, यू कैन जस्ट ज्वाइन माय दिस वन, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। बूस्टर बैच में जीएस से आ रहे हैं, चल रहे हैं अभी, ठीक है। देखो इससे हरियाणा कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, रेलवे हो गया, ये इन सब में हेल्प करेगा। यू कैन कवर इट फ्रॉम योर वट एवर फ्रॉम सोर्सेज यू आर कवरिंग साथी सहाना, या फिर यू कैन कवर इट विद मी, ठीक है। एक बारी आयुष टेलीग्राम पे डालना, एक बारी पीडीएफ मिलती है, हाँ जी, क्लास नोट्स जो रहते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं, क्लियर हो गया। 6000 इज द प्राइसिंग स्ट्रक्चर, या दिस द डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट कोड, एंड दैट इज द फाइनल प्राइसिंग जो आपको पड़ती है, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं, हाँ जी, ले लूं अभी, आफ्टर आई विल टेक 1 ईयर। देख उसमें फिर बस एक प्रॉब्लम आएगी, उसमें आपका जो अगर सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ तो जो कोर्स उस समय एनरोल था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से करना है, एडवांस मैंने जस्ट अभी भी शुरू करी है, ठीक है। 160 तक आप ला सकते हो मोदी, ठीक है, वाह मोदी जी, अच्छा वाह मोदी जी, अरे वाह मोदी जी, वाह 120 है, बहुत बढ़िया। आप 160 तक मैं तो अपनी मेहनत से 160 ला सकता हूँ, बाकी दोस्त आपकी किस्मत है और आपकी मेहनत ऊपर ले जा सकती है। मैं कमिट आपको 160 तक मैं आपको कमिट कर सकता हूँ, अगर आप उस मेहनत में कर रहे हैं तो। हाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, हाँ जी। अब 3 मॉक्स लगाना सही रहेगा आप, ठीक है, क्लियर। चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड गॉट गो, क्योंकि अभी मेरी सिर्फ फिर से 11 बजे से लेक्चर है। टेलीग्राम है मेरा अमन एस आर वी, AMANSRV, ओके, अमन एस आर वी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हेलो पीपल।